नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किसी भी पेन ड्राइव को पासवर्ड या लॉक कैसे लगाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें चलना है नीचे। अब देख सकते हो कि हमें सर्च का एक आइकन बना हुआ, क्लिक करना है दोस्तों, और इसमें आपको सिंपली टाइप करना बिट, बी आई टी बिट। जैसे ही दोस्तों बिट टाइप करेंगे, आपके सामने क्या होगा, एक इसमें लिखा हुआ आ जाता है मैनेज बिट लॉकर। सिंपली क्लिक करेंगे दोस्तों, इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो सी है, डी है, ड्राइव ई सारे ही यहाँ पर आ रहा है। पर नीचे देखेंगे कि रिमूवल डाटा ड्राइव्स दिख रहा है दोस्तों, ये है हमारे ऐप जो कि हमारे क्या है, पेन ड्राइव। सिंपली क्लिक करेंगे, करने के साथ आप देखते हैं साइड में टर्न ऑन बिट लॉकर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेता है दोस्तों, अब देखते हैं कि समय लेकर क्या करता है ये। तो आप देख सकते हैं, अब जैसे ही ये ओपन हुआ कुछ इस तरह से, तो आप सिंपली क्या करना है, यूज अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव पे क्लिक करना है दोस्तों। आपको क्लिक करने के बाद इसमें ये कहता है जी एंटर पासवर्ड, सो इसमें जो भी आपको पासवर्ड देना वो दे सकते हैं। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैं पासवर्ड दे देता हूँ। अब ये दोबारा कहता है कि री एंटर योर पासवर्ड, है ना दोस्तों। सिलेक्ट करेंगे सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड ले लिए मैंने। आपको सिंपली क्या करें, नीचे आना है और करना है नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट करने के बाद आपको ये कहता है सेव करने के लिए, सेव टू फाइल। तो सिंपली इसको एक काम करते, सेव टू फाइल करके इसको हम एक बार इसको सेव कर देते। ये जो नाम लिखा आ रहा है इसी नाम से हम इसको सेव करेंगे और इसको सेव कर देते हैं दोस्तों। तो ये सेव हो चुका है। अब सिंपली जब ये सेव हो चुका है दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमें सिंपली क्या करना दोस्तों, कि हमें ऊपर ही क्लिक रहने देना है, इनक्रिप्ट यूज दिस स्पेस वाले पे ही, और हमें करना है नेक्स्ट। अब दोस्तों हमें क्या करना, नीचे आते हैं कंपैटिबल मोड, इसमें क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक है ऑलरेडी, ये क्लिक ही रहने देना, इसको चेक को हटाना मत। देन आपको सिंपली करना है नेक्स्ट और कुछ नहीं करना, बस स्टार्ट इनक्रिप्टिंग पे क्लिक करना दोस्तों। इनक्रिप्टिंग पे क्लिक करते क्या होगा, ये थोड़ा सा समय लेगा। अभी इनक्रिप्ट हो चुका है क्योंकि दोस्तों मेरे पेन ड्राइव के अंदर ज़्यादा डेटा नहीं था। अगर आपके पेन ड्राइव के अंदर आपने कोई डेटा रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, सो ये उसके अकॉर्डिंग टाइम लेता है। अगर ज़्यादा डेटा होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, कम डेटा होगा दोस्तों कम टाइम लेगा। तो मेरे इसमें बहुत ही कम डेटा था, सो ये कम समय ले रहा है। 99.6% ऑलरेडी ये हो चुका है। अब देखते हैं, 2-1% और है, ये भी जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आपका ये प्रोसेसिंग रहता है तो आप गलती से भी अपने पेन ड्राइव को हिलने ना दे। किसी भी रीजन से अगर पेन ड्राइव हिल जाएगा तो आपका क्या होगा दोस्तों, आपका जो पेन ड्राइव वो करप्ट भी हो सकता है। अब देख सकते हैं एनक्रिप्शन ऑफ ऐप इज कम्प्लीट, मतलब ये कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। अब सिंपली इसको क्लोज कर देंगे अब यहाँ से, और मैं इसको यहाँ से दोस्तों ऑफ कर लो, बंद कर देता हूँ। अब हम करेंगे क्या कि हम सिंपली अपने पेन ड्राइव को यहाँ से बंद करेंगे दोस्तों। जैसे में ये मेरे पेन ड्राइव है, मैं सिंपली क्लिक करके और राइट क्लिक करके इसको मैं इजेक्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पेन ड्राइव प्रॉपरली क्या हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। अब देख सकते हैं, अब ये मैं इसको इजिली इसको रिमूव कर लूँगा। आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों कि अब आपको यहाँ पर देखिए नीचे एफ का ऑप्शन नहीं आ रहा, दिख रहा दोस्तों इसमें। तो सिंपली मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं अगेन इसको क्या करता हूँ, अपने पेन ड्राइव को लगा देता हूँ दोस्तों। सिंपली मैं अपने जो लैपटॉप में यूएसबी आपको पोर्ट होता है उसमें ये पेन ड्राइव लगा दीजिएगा। मैंने पेन ड्राइव को लगा दिया है। जैसे ही लगाया मैंने, आप देख सकते हैं एक्सेस इज डिनाई कह रहा है ये, सो ओके करते हैं। अब नीचे देखिए यूज ड्राइव ऐप क्लिक करना दोस्तों। अब क्लिक करने के साथ ही आप देख सकते हैं राइट में ऊपर ही कहता पासवर्ड। तो दोस्तों जो हमारा पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8, देन आपको सिंपली क्या करना है, अनलॉक। जैसे ही अनलॉक करेंगे दोस्तों, सो अनलॉक करते क्या होगा कि आपका जो पेन ड्राइव है वो ओपन हो जाएगा। मेरी जो पेन ड्राइव था दोस्तों खाली था बिल्कुल, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। तो आपके पेन ड्राइव के अंदर लॉक लग चुका है। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो मैंने बताया पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आप लोग जो मोटिवेट करते हो ना दोस्तों, उसी से हमें हिम्मत मिलती है और हम आगे कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की। थैंक यू सो मच दोस्तों।